हैदराबाद में एक जनसभा में बोलते हुए असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके बच्चे कहते हैं कि अगर निकल पड़ा तो बिना ब्रेक के किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। किसी से भी नहीं डरते, हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर, बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर, उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूँ। ओवैसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रजाकार वाले बयान की प्रतिक्रिया में बोल रहे थे। AIMIM चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के रजाकार वाले बयान पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ISIS का अड्डा बताकर हैदराबाद की जनता को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन वो डर कर गुजरात चले गए। दरअसल 2 मई को अमित शाह हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे और वहां उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे, इस बार मौका है और हैदराबाद को सात अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने 3 मई को हैदराबाद में कहा कि अमित शाह कहते हैं हैदराबाद पर 40 साल से रजाकारों का कब्जा है, कभी कहते हैं रोहिंग्या का अड्डा है, कभी कहते हैं ISIS का अड्डा है, तुम क्या कर रहे थे 10 साल से सरकार में बैठकर इन अड्डों के लिए? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे, मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में? तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी, हिस्सा क्या है आखिर ये? क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से RSS को हरा रहे और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने आगे कहा कि यहां कोई रजाकार नहीं रहते, रजाकार तो पाकिस्तान चले गए, यहां सिर्फ वफादार रहते हैं और ये वफादार 40 साल से RSS को हरा रहे हैं। इस बयान का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि अमित शाह हैदराबाद में आकर कहते हैं कि लोगों को किसी से डरना नहीं चाहिए, दरअसल हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, हमें तो बच्चों को समझाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, हमारे यहाँ डर नाम की कोई चीज नहीं है। हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 2004 से ही इस सीट से ओवैसी सांसद बनते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के भगवंत राव को 2.82 लाख वोटों से हराया था।